बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई एन चैनल में। आज की डेट में आपको बताऊंगा कि आप अपना अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक में अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। यहाँ पर पैसे की बात है तो पैसे के लिए आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा और आपको यहाँ पर वीडियो पूरा देखना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, नोटिस करिएगा मेरी बातों को और ध्यान से आप जो भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। ट्रांसफर का जो भी मैं ट्रिक बताने वाला हूं इसमें आपको 24 आवर्स में ही बैलेंस मिलता है, इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 24 आवर्स का समय लगता है। अब इसमें आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ऐप पर आने के बाद जस्ट अभी आपको अपना नेम डालना होगा। यहाँ पे पहले हम साइन इन कर लेते हैं। नेम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और आपको यहाँ पे इनवाइट कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इनवाइट कोड डाल दीजिए। इससे आपको 10 रुपये का फ्लैट कैशबैक भी मिल जाएगा। पहले आप इसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको KYC भी करना है। KYC के लिए आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, इतना आपको याद रखना है, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। और आपके पास खुद का आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए, जो आपका सेम आधार कार्ड में नेम होगा वही सेम आपके बैंक अकाउंट में नेम होना चाहिए, तभी आपको इसमें अकाउंट आप क्रिएट करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, इस ऐप में आप लॉगिन होने के बाद जस्ट आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे KYC का एक बैनर देखने को मिलेगा। इस बैनर पर आपको क्लिक करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो कंप्लीट योर KYC वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। अब आप पूछेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा, तो जो अभी आप साइन अप कर रहे हैं तो जो मोबाइल नंबर अपना डाले तो वही सेम एज अ मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड, जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे जस्ट आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, OTP आप डालिएगा। डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन का एज अ बटन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद जस्ट अभी आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा जो एज आपके आधार कार्ड में होगा, अपना फादर नेम डालना होगा और आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। साथ ही साथ अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, फीमेल है कि मेल है। यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर डालना होगा। अगर आपके पास पेटीएम नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, एज ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो अपना पेटीएम नंबर डाल दीजिएगा, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेटीएम नंबर आपको वही डालना है जो आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे, जिसका भी डॉक्यूमेंट देंगे उसी का पेटीएम नंबर होना चाहिए, उसी नेम से होना चाहिए। यदि आपके पास उस नेम से पेटीएम नंबर अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहां पे इस पेटीएम वाले सेक्शन को छोड़ सकते हैं। आगे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा तो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, बस ध्यान रखें जिसका भी आप आधार कार्ड देंगे, जो भी आधार कार्ड में नाम होगा सेम नेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंडेड कर दिया जाएगा और आपका यह अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आपने पेटीएम नंबर डाल दिया या ऐसा आपने इसको स्किप कर दिया, जस्ट अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होगा। जो अभी आप साइन अप कर रहे थे जो ईमेल आईडी आपने वहाँ डाला था वही सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना होगा। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो ऐसा आपको डालना होगा फुल एड्रेस और सेफ वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद जस्ट अभी आपसे पूछेगा आपका आधार कार्ड नंबर, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर देख के जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, इस पर टिक रहने देना है और आपको सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा। फ्रेंड, जैसे ही सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट आपसे आपके आधार कार्ड लिंक से जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना होगा। वेरीफाई OTP वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड, जैसे ही आप OTP डाल के वेरीफाई वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे जस्ट अभी आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे अभी आपको बताया जाएगा कि आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होगा, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद सेंड वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा।
फिर फ्रेंड्स आप आ जाएंगे लास्ट पेज पे, जिस पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना है, जो भी आपको बैंक आपके पास है उस जिस भी बैंक में आपको पैसे चाहिए वो बैंक अकाउंट आप डिटेल्स यहाँ पे देंगे। बट ध्यान रखिएगा जो भी आधार कार्ड में एज अ नेम है वही सेम आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए, मतलब सेम नेम आपके आधार कार्ड में आपके इस अकाउंट में और सेम आपका बैंक भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और का बैंक दे रहे हैं और यहाँ पर आप किसी और के नाम से KYC कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि आपका बैंक नाम आधार कार्ड नाम से मैच होना चाहिए, अन्यथा आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट अभी आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, जस्ट आपका बैंक नेम डालना होगा, ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको डालना होगा IFSC कोड। ये आपको डालने के बाद सेंड के सेक्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा, इंटर करना होगा, सेंड OTP वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट अभी आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, डालने के बाद लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट अभी आपका जो KYC कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो अकाउंट है वो अभी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको होम पेज पे आ जाना है। तो आप लोग ने पूरा प्रोसेस समझ लिया कि आपको इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे KYC करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो मैंने आपको पेटीएम का जो कॉन्सेप्ट बताया और पेटीएम का और बैंक अकाउंट डिटेल दोनों का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेम जो डॉक्यूमेंट देंगे वही सेम आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए सेम नेम से, ठीक है, मिसमैच आपको नहीं करना है। ये पूरी बातें अभी अब आपको क्लियर हो गई। अब आपको क्या, उसके लिए अभी आपको यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी मिलेगी कोर्स वाली, ऐसी कैटेगरी यहाँ पर बहुत सी, बट आपको इसी वाले सेक्शन में इसी वाली कैटेगरी में आपको क्लिक करके जाना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी कोर्स वाली कैटेगरी मिल जाएगी और जस्ट नीचे वाली भी आपको यहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है। इसी कैटेगरी में जाना, आपको अपना बैलेंस ट्रांसफर कैसे करना है इसके लिए। अब आपको मान लीजिए आपने कोर्स वाले सेक्शन में आपको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आप यहां पे अगले सेक्शन में आ गए। अभी आपको यहां पे सिर्फ तीन प्रोडक्ट दिख रहा है और ये तीनों जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल है, ये कोई भी आपके एड्रेस पे सेंड नहीं किया जाएगा, नहीं आपको इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद कैंसिल करना है, कुछ भी नहीं करना। ये समझिए जो मैं बाय कर रहा हूं ये एक एज अ कॉन्सेप्ट है, बस मुझे बाय कर रहा हूं, मेरा जो बैलेंस है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल सा स्टेप। अभी आपने अपना पेटीएम नंबर बैंक अकाउंट जो डिटेल्स दिए हैं उसी पे आपका जो बैलेंस है 24 आवर्स में आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा। आपको यहां पे अब आपको मान लीजिए आपको 1000 रुपये ट्रांसफर करना है तो अभी 1000 रुपये यहां पे ऐड कर लीजिए, मतलब 1000 का ही प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। 2000 करना है तो 2000 कर लीजिए, मैं आपको 2000 करके दिखाता हूं, ठीक है। तो दो यहां पे मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट किया और यहां चेकआउट वाले सेक्शन में क्लिक किया, क्लिक करना प्लेस टू यहां पे प्रोसीड टू चेकआउट वाले सेक्शन में फिर से मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद जस्ट अभी आपको यहां पे आपका एड्रेस वगैरह मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, डिलीवरी एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं। डालने के बाद जस्ट अभी आपको पे एंड प्लेस वाले ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। जैसे आप प्लेस ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो जस्ट अभी आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे, जो ट्रेजर पेमेंट का एज अ ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे यहाँ पे अवेलेबल है। अब बस अब आपको आने को जस्ट आपको नीचे आना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे अभी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वॉलेट का, इस वॉलेट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करना होगा जस्ट आपको यहाँ सेकंड नंबर पर ही आपको अमेजॉन पे बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करिए, अपनी ID लॉगिन करिएगा, अमेजॉन पेमेंट्स यहाँ पे कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे मैं पेमेंट डन कर देता हूं, फाइनली मेरा जो पेमेंट डन हो चुका है और योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कितने लोग मैसेज कर रहे थे क्या वो ऑर्डर कैंसिल करना, कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, जाने के बाद जितना भी आपको बैलेंस निकालना उतना आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाके उस प्रोडक्ट को उतने क्वांटिटी में आपको बाय कर लेना। 1000 का निकालना तो 1000 से कम का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और जो पेमेंट है 24 आवर्स में आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा बिना कुछ किए, 6% इसमें चार्ज कटता है, 94% आपका जो यहाँ पे अमाउंट है वो आपको भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में। कोई भी आपको यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से सिर्फ आपको जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना करने के बाद अब आपको 24 आवर्स वेट करना है, आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल सपोर्ट दिया गया आप पूछ सकते हैं। अब रही बात जो मैंने आपको वीडियो बताया स्टेप बाय स्टेप, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और फालतू के यहाँ पे आप क्वेश्चन बिल्कुल मत करिएगा कि पेमेंट कब आता है कब नहीं आता। मैंने आपको बता दिया 24 आवर्स का समय लगता है पेमेंट आ जाएगा। और ऑर्डर जो कैंसिल करने की बात कर रहे थे कुछ लोग, तो ऑर्डर आपको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑर्डर कर देना है, बस हो गया। और कुछ क्वेश्चन ये भी थे कुछ लोगों के कि यहां पे क्या ये जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूं क्या इसको हमें हमारे घर भेजा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक एज अ डिजिटल प्रोडक्ट है, कोर्स है, इसको आप बाय करना है और बाय करने के बाद सिंपल से वेट करना है 24 आवर्स का, आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे यहाँ पे 24 आवर्स हो चुके हैं, मेरा जो बैलेंस है वो मेरे अकाउंट में मेरे पेटीएम नंबर पर आ चुका है।